क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस. देखिए अपन से कह रहा है कि आपको वह सबसे छोटा नंबर पता करना है. जब उस नंबर को हम 35 से 56 से 91 से डिवाइड करें तो प्रत्येक केस में यह रिमाइंडर जो है शेषफल जो है 7 आना चाहिए. तो वह नंबर क्या है, तो एक बात सुनिए कि वह नंबर जो इतना कह रहा है कि इससे डिवाइड होगा. इसका मतलब भाई कि अगर इस तीनों नंबर्स को इसका मल्टीपल निकाले तो लोएस्ट नंबर इसका मल्टीपल लोएस्ट मल्टीपल निकालेगा मतलब दैट इज एलसीएम निकल जाएगा. ठीक है भाई, तो इसका जो एलसीएम आएगा और उस एलसीएम को जो 35 से डिवाइड करूं तो 56 से डिवाइड करूं तो 91 से डिवाइड करूं तो हर एक केस में जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा. लेकिन अपन को रिमाइंडर चाहिए 7. ठीक है, कोई बात नहीं है. तो अगर जो है एलसीएम में हम 7 जोड़ दे तो वह नंबर आ गया, वह नंबर मिल गया. और वह नंबर को आप 35 से डिवाइड करें तो 56 से डिवाइड करें तो और 91 से डिवाइड करें तो हर एक केस में आपका रिमाइंडर 7 आ जाएगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 35 56 91 का एलसीएम निकालिए. एलसीएम तो देखिए हमने इसके एलसीएम निकाल चुके हैं क्योंकि टाइम का हमने वेस्ट नहीं करना चाहता हूं. ज्यादा आपका टाइम होता है ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझाने पे फोकस करता हूं, इसलिए आपको उम्मीद करते हैं कि आपका एलसीएम और एचसीएफ आता होगा. ठीक है, तो इसकी एलसीएम जो आ रहा है कितना, 3640 इतना एलसीएम आ रहा है. तो भैया ये नंबर सबसे डिविजिबल होगा. लेकिन 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 जैसे ही 3640 में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कितना, 7 ऐड कर, जो रिमाइंडर 7 आ रहा है तो भाई इसे डिवाइड करो, इस अभी तो इस नंबर को डिवाइड करो तो रिमाइंडर जीरो आएगा. लेकिन अब आपको नंबर मिला है 3647, अब जैसे ही इसे डिवाइड करो तो इसे डिवाइड करो तो या इसे डिवाइड करो हर एक किस में रिमाइंडर जो है आपका 7 आ जाएगा. तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हेल्प करने के लिए वीडियो बनाकर, ताकि मेरा कर्तव्य क्या आपको हेल्प करना, मेरा तो ऐसे साइड ये साइड अर्निंग है साथ साथ, जो तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों को एक एफिशिएंट नॉलेज दिया जाए, कंसेप्चुअल नॉलेज दिया जाए, रटा रटोल नहीं. ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों. आप मेरे दोस्त के समान है भाई.